लॉकडाउन के मद्देनजर यातायात प्रशासन सख्ती से पेश आ रही है, राह चलते वाहनों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। दो अहम बातें देखने को मिली है। पहली बात तो बिना आवश्यकता जो भी दिख रहे हैं उन्हें और बिना यातायात नियमों के पालन करने वालों का चालान काटा जा रहा है। लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने की अपील भी की जा रही है। ऐसे में लोगों को भी परेशानियां आ रही हैं। लोगों का कहना है कि ज़रूरत के लिए निकले हैं, ऐसे में जल्दबाजी में हेलमेट छूट जाता है या लाइसेंस नहीं होने के कारण चालान काटा जा रहा है, ऐसे में उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हेलमेट नहीं थी, हमारी गलती थी, लेकिन आटा लाने के लिए जा रहे थे बच्चे का, अब पता नहीं चालान तो कट गया। अच्छा, ये जो भी लॉकडाउन हुआ इससे कितना असर पड़ रहा है ऐसे आम जीवन पर? आम जीवन पर बहुत असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट लॉकडाउन तो कर दी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को ये भी तो सोचना चाहिए, घर घर जो है तब तो सब सुविधा दे देना चाहिए। हमको इमरजेंसी लग गया तो हम क्या, हम देखेंगे कि हमें क्या पहन के निकल रहे हैं, क्या नहीं पहन के निकल रहे हैं। कभी पता चलता है कि हम नंगे हैं निकल जा रहे हैं, खुला के पास पैसे की लालच हो रही है, जो भी हो रही है, कोई सोचना चाहिए। लग रहा है पब्लिक को परेशानी हो रही है। अच्छा, ये सामान वगैरह है वो आसानी से मिल जा रहे हैं या कुछ महंगा वगैरह भी हो रहा है? नहीं, सामान आसानी से मिल रहा है। सामान में कोई दिक्कत, राशन दुकान वाले कोई परेशानी नहीं, परेशानी यही है गवर्नमेंट का लक्चर, रास्ते में परेशानी जो है रास्ते। आप देख रहे हैं SGN न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ।